की बोली है कि कसडोल से टिकट कटने का मलाल नहीं है, मंत्रियों का टिकट क्यों नहीं काटा गया, कार्यकर्ता नहीं बेटी की तरह थी मैं, मुझे लेकर अनर्गल बातें कही गई हैं और इस बात का दुख अब उन्हें बैठक के दौरान हुआ। कसडोल से टिकट मांग रही थी, मिला नहीं, लेकिन इसका मलाल नहीं है उन्हें, मंत्रियों का टिकट क्यों नहीं काटा गया, इस बात को लेकर नाराजगी थी। कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बल्कि बेटी की तरह हमेशा ट्रीट किया गया है, लेकिन मुझे लेकर ठीक बातें नहीं कही गई हैं, जिसका दुख उन्हें है। शकुंतला साहू का जिक्र कर रहे हैं, बैठक चल रही थी उसी दौरान उनका दर्द छलका, बैठक में रोते रोते ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार अंतरकलह की खबरें, और ये भी स्पष्ट करते हुए संकेत देती हुई कि पार्टी फोरम पर अगर पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता बात रखने की कोशिश पहले करता होगा तो शायद सुनी नहीं जाती होगी। इसी का ये नतीजा कि अब जाकर जब सुनवाई हो रही है तो अलग अलग कार्यकर्ता पदाधिकारी ये बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ पार्टी में अन्याय हुआ है। शकुंतला साहू बैठक चल रही थी उसी दौरान रो पड़ी, पूर्व विधायकों की बैठक थी, रोते रोते बोली कि कसडोल से टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है इसका मलाल नहीं है, लेकिन मंत्रियों के टिकट क्यों नहीं काटे गए। कई ऐसे मंत्री जिनका जनाधार बहुत ज्यादा कमजोर था और ये प्रत्यक्ष भी था, 9 कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे हैं, मंत्रियों का टिकट क्यों नहीं काटा गया, ये सवाल उठाया। कार्यकर्ता नहीं बेटी की तरह थी मैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लेकर अनर्गल बातें कही गई हैं, ये शब्द हैं शकुंतला साहू के। सही कि ममता से हम ज्यादा जानकारी लेंगे, ममता क्या कुछ हुआ है इस केस में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए वो सिटिंग एमएलए जिनकी टिकट काट दी गई थी उनकी बैठक थी और इस बैठक में तमाम जो एमएलए हैं उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और इस दौरान जो है शकुंतला साहू रो पड़ी बैठक में और उन्होंने कहा कि टिकट काटना अलग बात है लेकिन टिकट काटने के अलावा मेरे बारे में जो अनर्गल बातें कही गई उससे मैं आहत हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की जिस तरीके से हार हुई उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी और जितने भी एमएलए वहां पर एक्स एमएलए थे उन्होंने ढाई ढाई साल वाले मुद्दे को भी एक कारण बताया हार का और उन्होंने कहा कि ये इसके कारण जो है पार्टी की छवि लगातार खराब हुई और इसके साथ ही जो सर्वे है उनको भी फर्जी बताया गया। लेकिन शकुंतला साहू ने एक बड़ी बात ये भी कही इस बैठक में रोते हुए कि अगर मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब थी तो मंत्रियों की रिपोर्ट कौन सी अच्छी थी, तो जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब थी उनकी टिकट क्यों नहीं काटी गई। तो ये एक बड़ी बात है, कसडोल से जो है काफी सबसे कम उम्र की विधायक थी शकुंतला साहू और काफी प्रचंड मतों से पिछली बार वो जीती थी और हालांकि ये जरूर है कि इस बार भी कसडोल कांग्रेस जीत गई है, संदीप साहू जो है वहां से जीते हैं लेकिन उनको टिकट काटी गई थी तो उन्होंने उस समय पार्टी का जो है फैसले को सहज स्वीकार किया था। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि पार्टी के टिकट काटने का दुख नहीं है, जितना अंदर बांधे का वो करने का और फैलाने का। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है वो बेटी की तरह हूँ लेकिन जिस तरह की बातें फैलाई गई उससे मैं आहत हूँ। तो जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर जो तमाम तरह की एक तरह से कहें कि तमाम तरह की जो उठापटक चल रही थी वो चीजें भी सामने